हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा। तो फ्रेंड्स, आप सब सोचोगे कि आज मैंने अपने वीडियो की शुरुआत किचन से क्यों की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो व्रत में हम कुछ ना कुछ बना के खाते हैं। तो आज मैं, मेरे यहाँ तो सभी लोग व्रत हैं, मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। पर मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं पूर्णागिरी, तो बच्चों के लिए मैंने सोचा कुछ हेल्दी बनाते हैं। तो अब मैं बच्चों के लिए मखाने की खीर बनाती हूँ, मखाने और ड्राई फ्रूट्स की केसरिया खीर। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारे मखाने। आप दिल खोल के जितनी इच्छा उतने मखाने, ढेर सारे मखाने लेते हैं, जितना आपकी इच्छा उतने मखाने ले सकते हैं। और 1 लीटर मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हो। मैंने तो थोड़े से काजू कटे हुए रखे थे, मैंने वो भी ले लिए। पिस्ता लिए, बादाम लिया, अखरोट लिया है और थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है और इलायची पाउडर ली है, थोड़ा सा देसी घी, बाकी शुगर और मिल्क 1 लीटर और थोड़ा सा केसर। मैं केसरिया खीर बनाऊंगी तो इसे मुझे थोड़ा सा केसर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, करना क्या है, हमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। गैस ऑन कर दी है, मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। इसको घी रोस्ट कर लेते हैं और फिर इनके बाद इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। किशमिश अभी नहीं डालेंगे और इनको ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जले जले सी महक आने लगेगी। बस इनको हल्का सा थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं, बस इतना ही इसको रोस्ट करना है। किशमिश भी कर लेते हैं। किशमिश मैंने लास्ट में इसलिए की क्योंकि किशमिश नहीं तो जल जाते हैं, थोड़ी सी बस फूल जाए किशमिश, इतनी ही हमें इसको रोस्ट करना। और विश्वास मानिए, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है। किशमिश हमारी हो गई है, बस ये बहुत जल्दी भुन जाती है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं और अपने मखाने भी घी रोस्ट कर लेते हैं। सोचिए कि मैंने मखाने लास्ट में क्यों रोस्ट किए, तो वो इसलिए क्योंकि मखाने घी पी जाते हैं, तो पहले हमने अपने ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट कर लिए हैं। तो अब घी मेल्ट हो जाए फिर हम अपने इसमें मखाने भी रोस्ट करेंगे। ये इस तरीके से हो गए हैं और इनको हम गैस को कर देते हैं बंद और इनको निकाल लेते हैं और इनका एक थोड़ा सा दरदरा इनको पीस लेंगे। थोड़े से मैं साबुत रखूंगी गार्निशिंग के लिए, बाकी मैं ड्राई फ्रूट्स पर इसको पीस लेती हूँ। जार में मखाने और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लिए, इनको मैं थोड़ा दरदरा पीस लाती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे थोड़ा दरदरा सा पाउडर फॉर्म में इसको पीस लिया है। दूध जब तक मैंने कढ़ाई में दूध सेम कढ़ाई में मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध में जब तक उबाल आएगा तब तक हम इसको वेट कर रहे हैं। और थोड़ा सा केसर मैंने भिगो के रख दिया है। फ्रेंड्स, ऐसे मखानों की खीर में अगर आप घी रोस्ट करके मखानों को और ड्राई फ्रूट्स को पीस के बनाते हैं तो खीर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक आएगा और बहुत ही मतलब गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जैसी खीर लगेगी। बिलीव करिए, बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। आप ऐसे ट्राई जरूर करके देखिएगा। कौन कौन लोग मेरे तरीके से बनाते हैं मुझे ये भी कमेंट्स करके बताइएगा।
और प्लीज़ मुझे ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस तरीके के वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग दिखाऊँ या डेली रूटीन वाले ब्लॉग दिखाऊँ, या मैं कोई रेसिपी बताऊँ, या फिर मैं ब्यूटी से संबंधित कुछ बताऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा। और कुछ भी अगर अच्छा लगता है या ख़राब लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। होने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, इसी स्टेज पे हम अपना ही जितना भी हमने ड्राई ये पाउडर फॉर्म में बना के रखे हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह और मखाने, तो इसको हम ऐसे ही दूध में डाल देते हैं क्योंकि ये भी अच्छे से इसके साथ घुट जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हमने इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वैसे ही ये गाढ़ा गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, दूध दूध में गाढ़ापन आना स्टार्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। और इसी में इसी टाइम हम डाल देते हैं इसमें केसरिया दूध जो मैंने केसर डाल के रखा था, और थोड़ा सा केसर और डाल देंगे ऊपर से जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें। और इसी टाइम हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर को मैंने पाउडर फॉर्म में बना के रख रखा है, जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसमें ऐसे ही डाल देती हूँ। रोज़ रोज़ कौन खलबट्टा लेके उसको फूटे या क्रश करके डाले, तो मैं एक बार में ही बना के इसको रख लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए खीर हमारी कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से मतलब गाढ़ी हो गई जैसे ही हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने पीस के डाले तो तुरंत। इसी टाइम हम डाल देते हैं फ्रेंड्स इसमें चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कम या ज़्यादा, और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते कम या ज़्यादा। गैस को थोड़ा सा तेज कर देते हैं जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए। खीर को बराबर हमें चलाते रहना है क्योंकि ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स हमारे नीचे पकड़ ना ले और दूध में उबाल आता रहेगा और धीरे धीरे घुटती रहेगी, लेकिन हमें बराबर इसको चलाते रहना है। और बहुत ही जल्दी बनने वाली खीर है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मखाने हमने गार्निशिंग के लिए रखे थे उसको भी हम इसी स्टेज पर डाल देते हैं, और जो घी रोस्ट की हुई किशमिश रखी थी वो भी डाल दे रहे हैं, और थोड़ा सा हम इस पर केसर डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। वैसे मैंने केसर डाला है लेकिन थोड़ा सा केसर और डाल देते हैं। बस फ्रेंड्स अब गैस को हम कर देते हैं बंद। मखाने की खीर हमारी रेडी हो चुकी है, और आप इसी तरीके से बना के खीर को ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे तरीके से बनाई हुई मखाने की खीर आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स मेरे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको।